दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं विश्व सबसे नंबर वन आर्चर दीपिका प्रजापति के बारे में। आज हम इन वीडियो में उनका पूरा परिचय प्राप्त करेंगे। अब तक इन्होंने विश्व के खेलों में 9 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इनके पति की बात कहते हैं, इनके पति का नाम अतनु दास तथा पिता का नाम शिव नारायण महतो प्रजापति है। माता का नाम गीता देवी। इनकी दो छोटी बहनें और एक भाई भी हैं। इन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया और इन्होंने शुरुआत से ही इनके पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। दीपिका इससे पहले मात्र 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी बन चुकी हैं। अब तक वह विश्व कप 9 गोल्ड मेडल 12 सिल्वर मेडल जान में जीतने वाली दीपिका नजर अब ओलंपिक मेडल पर। वह जापान होने वाले ओलंपिक मेडल में भाग लेने के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। वह भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज भी हैं ओलंपिक में जाने के लिए। अगर बात की जाए इनके संघर्षपूर्ण जीवन की, इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। शुरुआती दौर से ही इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही है। तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकलते हुए दीपिका के मन में संतोष बात इस बात का था कि उनके जाने से परिवार पर एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन आज दीपिका ने अपने दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति सामाजिक दर्जा बहुत ही ऊंचा कर लिया है। पूरे विश्व में पूरे भारत में उनका नाम हो रहा है। दीपिका के पिता शिवनारायण महतो प्रजापति का ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे। वहाँ उनकी माँ गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती हैं। वो आज भी इस पायदान पे हैं। कहा जाता है कि ओलंपिक महासंघ ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें दीपिका और उनके परिवार ने दीपिका के सफर से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण बताते हैं कि जब दीपिका का जन्म हुआ तब हमारी आर्थिक स्थिति हालत बहुत खराब थी। हम बहुत गरीब थे। हमारी पत्नी 500 रुपये महीने तनख्वाह काम कर देती है और एक छोटी सी दुकान चलाता था। इस फिल्म में ही दीपिका बताते हैं कि उनका जन्म एक चलते हुए ऑटो रिक्शा में हुआ था। उनकी माँ अस्पताल नहीं पहुँच पाई थी। जब ओलंपिक खेलने गई तब भी परिवार की स्थिति हालत बहुत खराब थी। हालांकि यह देख सकते हैं 2012 की तस्वीर है। दीपिका के पिता शिवचरण महतो प्रजापति और छोटी बहन उनके साथ हैं। कहते हैं ना जिंदगी में बहुत कुछ संयोगवश होता है। 14 साल की उम्र में पहली बार धनुष बाण उठाने वाली दीपिका का तीरंदाजी की दुनिया में प्रवेश भी संयोगवश हुआ और उन्होंने अपनी शुरुआत बांस के बने धनुष बाण से की जो कि हम बचपन में बहुत खेला करते थे। दीपिका कहती हैं तीरंदाजी के प्रति इनकी दीवानगी हुई क्योंकि इनकी इस खेल को नहीं बल्कि इस खेल ने उन्हें चुना था क्योंकि ये बहुत बचपन से ही तीरंदाजी के बहुत ही शौकीन रही थी। तीरंदाजी की दुनिया में एंट्री की कहानी बताते दीपिका कहते हैं साल 2007 में जब हम नानी घर गए तो वहाँ मेरी बहन ने बताया कि उन्हें वहाँ पर अर्जुन आर्चर एकेडमी है। जब उसने यह बोला कि वहाँ सब कुछ फ्री है, किट भी मिलती है, खाना भी मिलता है, तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, घर का एक बोझ कम हो जाए क्योंकि उस समय आर्थिक संकट बहुत गहरा था। इस तरीके से दीपिका प्रजापति जी का बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। कहा जाता है ना कि मेहनत दम पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपना जी जान ला के मेहनत किया। आज पूरे विश्व में अगर तीरंदाजी की बात करें तो नंबर वन पे है। मेहनत किसी को भी चमका सकता है यह बात स्पष्ट होती है। जीता जाता उदाहरण दीपिका प्रजापति। मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो देखने वाले लोग भी इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने लाइफ में अपनी मेहनत के बदौलत बहुत ही अच्छी जो भी हम अपने सपने समझोए रहते हैं प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप सभी से एक बार एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्रजापति कम्युनिटी चैनल को, प्रजापति समाज से रिलेटेड कोई भी खबर पाने के लिए और अपडेट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे नंबर जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराएं ताकि हम लोग एक कदम और आगे बढ़ जाएं अपने समाज को एकत्रित करने में और 36 बिरादरी भाईचारा को सपोर्ट करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.